नमस्कार, हिंदुस्तान न्यूज डेली में आप सभी का स्वागत है। यूपी में पत्रकार को सैनिटाइजर छिड़क कर जला दिया गया, प्रधान पुत्र समेत तीन गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने कहा है कि उसने राजधानी लखनऊ से करीब 160 किलोमीटर दूर बलरामपुर जिले में 27 नवंबर को 37 वर्ष पत्रकार और उसके दोस्त की हत्या के मामले में एक गाँव के प्रधान से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। पत्रकार राकेश सिंह निर्भीक लखनऊ स्थित एक अखबार के लिए काम करते थे। उनका और उनके दोस्त 34 साल के दोस्त पिंटू का जला हुआ शव राकेश के बलरामपुर के केवलारी गांव के घर में 27 नवंबर की रात में मिला था। पुलिस के मौके पर पहुंचने से पहले ही पिंटू की मौत हो गई थी। दूसरी ओर राकेश को लखनऊ के अस्पताल पहुँचाया गया था, जहाँ कई बर्न इंजरी के चलते उन्होंने कुछ घंटों बाद ही दम तोड़ दिया था। मृत्यु पूर्व बयान में पत्रकार ने अस्पताल में दिए बयान में बताया था कि वे स्थानीय ग्राम प्रधान और उनके बेटे के भ्रष्टाचार के खिलाफ लिख रहे थे। पुलिस ने बताया कि ग्राम प्रधान के बेटे और आरोपी रिंकू मिश्रा ने अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाइजर को पत्रकार और उसके दोस्त के ऊपर डाला और फिर आग लगा दी। पुलिस का यह भी कहना है कि हत्या के दो मकसदों में से एक राकेश की पत्रकारिता था। बलरामपुर के एसपी देवरंजन वर्मा ने कहा, हमने मामले में 17 लोगों से बात की और इसमें दुश्मनी का एंगल सामने आया। राकेश सिंह निर्भीक और बेखौफ रिपोर्टर थे और वे ग्राम प्रधान के खिलाफ लिख रहे थे। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल हिंदुस्तान न्यूज डेली को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।